हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताने वाली हूँ और वो शॉर्ट स्टोरी है ऑर्थर कोनन डोयल की और ये स्टोरी है द एडवेंचर ऑफ द सिक्स नेपोलियंस। फ्रेंड्स, स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो ज़्यादा लेट नहीं करते, आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये स्टोरी स्टार्ट होती है इंस्पेक्टर से जिनका नेम है मिस्टर लेस्ट्रेड। ये स्कॉटलैंड यार्ड के हैं और ये एक इंस्पेक्टर हैं। ये सारे दिन जो भी होता है ये सारी चीज़ें आके शेरलॉक होम्स को बताते हैं। आज भी ऐसा ही था, शेरलॉक होम्स इनका वेट कर रहे थे कि मिस्टर लेस्ट्रेड आए, कुछ इंटरेस्टिंग बताएं, शायद कुछ केस के बारे में मुझे बताएं। लेकिन आज जब ये मिस्टर लेस्ट्रेड आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सिर्फ वेदर और न्यूज़पेपर के बारे में बात करते हैं लेकिन किसी केस के बारे में नहीं बताते हैं। तो शेरलॉक होम्स पूछते हैं कि क्या बात है, कोई केस वेस नहीं है क्या? तो मिस्टर लेस्ट्रेड बोलते हैं नहीं, नथिंग इज़ स्पेशल। तो बोलते कोई स्पेशल नहीं है अगर, तो ठीक है कोई बात नहीं। और वो आराम से शेरलॉक होम्स अपनी चेयर में बैठ जाते हैं। अब मिस्टर लेस्ट्रेड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा वो एज़ यूज़ुअल नहीं बात कर रहे होते हैं। तो शेरलॉक होम्स को कुछ डाउट होता है तो पूछते हैं कि अरे बता भी दो क्या बात है। तो यहाँ पे मिस्टर लेस्ट्रेड बताते हैं एक केस के बारे में, कहते हैं केस ना थोड़ा सा अजीबोगरीब सा केस है, ऐसा लगता है इसमें ना इंसैनिटी वाला केस है, कोई इंसेन ऐसा लग रहा है, कोई काम कर रहा है, बर्गलरी करता है, चोरी करता है, लेकिन अजीब सा केस है। तो शेरलॉक होम्स बोलते हैं कि प्लीज़ आप मुझे डिटेल में बताइए, क्योंकि मिस्टर लेस्ट्रेड कभी भी कोई भी बात अगर किसी भी केस के बारे में बताते थे तो शेरलॉक होम्स बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुना करते थे। ऐसा इस टाइम भी हुआ, मिस्टर लेस्ट्रेड ने बताया अब उस केस के बारे में जो कि एग्जैक्टली इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर है। वो केस था एक नेपोलियन स्टैचूज का, मीन्स बस्ट का। बस्ट का फ्रेंड मतलब होता है कि ऊपर का सिर्फ फेस और थोड़ा सा नेक, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो ये क्या था, कोई भी थीफ था तो वो थीफ आता इसको सिर्फ किसी जिस भी घर पे ये नेपोलियन का बस्ट होता वो आता इसको ले जाता, इसके टुकड़े टुकड़े करता और छोड़ देता। अब फ्रेंड्स, इस स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपने टाइटल में देखा द एडवेंचर ऑफ द सिक्स नेपोलियंस, मीन्स कितने बस्ट होंगे, सिर्फ सिक्स नेपोलियन के ही बस्ट होंगे। तो अब यहाँ पे जब ये बताता है कि केस हो गया है और ये केस अभी चार दिन पहले का है, चार दिन पहले क्या हुआ, मोरोस हार्टसन, मीन्स हार्टसन की शॉप है एक जहाँ पे सारे स्टैचूज और इमेजेस मिलते हैं और ये शॉप थी कैनिंगटन रोड पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक ऐसे ही नेपोलियन का बस्ट को क्या कर दिया गया, ब्रेक कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बट इसके पीछे रीज़न क्या था, कोई रीज़न नहीं समझ पा रहा था। अब एक केस तो ये हो गया, अब सेकंड केस कहाँ पे हुआ, सेकंड केस एक डॉक्टर के पास हुआ, डॉक्टर बेरिनॉट के पास। डॉक्टर बेरिनॉट ने अभी रिसेंटली ही हार्टसन की शॉप से दो नेपोलियन के बस्ट खरीदे हुए थे। अब डॉक्टर बेरिनॉट ने ये दोनों ही नेपोलियन बस्ट को अलग अलग रखा हुआ था। एक इन्होंने रखा था जहाँ पे इनका प्रिंसिपल रूम था, जहाँ पे ये रहते थे, ये था कैनिंगटन रोड पे। दूसरा इन्होंने कहाँ रखा था, अपनी सर्जरी और डिस्पेंसरी पे, जो कि कहाँ पे था, लोअर ब्रिक्सटन रोड पे था। और इनके रेजिडेंस और इनकी सर्जरी के बीच में, मीन्स इनके डिस्पेंसरी के बीच में 2 माइल्स की गैपिंग थी, 2 माइल्स दूर था, ठीक है। अब सेकेंड केस डॉक्टर बेरिनॉट के साथ भी यही हुआ कि जब डॉक्टर अपने रेजिडेंस में थे तो उनको ना अचानक किसी काम से सर्जरी करने के लिए जाना पड़ा। तो वो रात को 12 बजे टाइम हो रहा था 12 बजे का, तो डॉक्टर बेरिनॉट अपने सर्जरी डिस्पेंसरी पे गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो स्टैचूज था, मींस जो बस्ट था नेपोलियन का, वो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और वैसा ही सेम टू सेम इनके साथ इनके घर पे भी हुआ, यहाँ पे भी वो जो नेपोलियन बस्ट था वो भी ख़राब हो गया था।
और घर से कुछ भी नहीं गया था, अगर मतलब कोई चोर आया होता और कुछ भी, तो वो और भी तो सामान लेके जाता, लेकिन वो कुछ भी नहीं, सिर्फ वो आता नेपोलियन का बस्ट लेता और उसको डिस्ट्रॉय कर देता। ये तो बहुत ही अजीबोगरीब बात थी। अब शरलॉक होम्स ने ये सारी बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनी जो कि मिस्टर लेस्ट्रेड बता रहे थे, तो इन्होंने बीच में मिस्टर लेस्ट्रेड को रोका और कहा कि आप ये बताइए, ये क्या सिर्फ बर्गलरी का मैटर है, कुछ और भी है? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो बस इतना ही है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको शॉर्ट आउट कर लूँगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको बताऊँगा। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब फ्रेंड्स आपने यहाँ नोटिस किया कि कितने नेपोलियन के बस्ट थे? 6, मीन्स 6 नेपोलियन के बस्ट थे जिसमें कि 3 डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। एक तो कहाँ पे? हडसन की शॉप पे, जहाँ पे स्टैचूज मिलते थे, इमेजेस मिलती थी। और दूसरा कहाँ पे हुआ है? डॉक्टर बैरिनॉट के यहाँ, एक डॉक्टर बैरिनॉट के घर पे और दूसरा उनके ब्रांच सर्जरी और डिस्पेंसरी में। तो मतलब 3 अभी तक बस्ट नेपोलियन के डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ठीक है, उसके कुछ टाइम के बाद शरलॉक होम्स को लेस्ट्रेड का एक मेल मिलता है और उस मेल पे उन्होंने लिखा हुआ था कि उन्होंने तुरंत ही शरलॉक होम्स को बुलाया हुआ था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम था, उनको कुछ इमरजेंसी थी। तो यहाँ पे शरलॉक होम्स ने अपने फ्रेंड को बुलाया जिनका नाम था डॉक्टर वॉटसन, उनके असिस्टेंट भी थे, उनके फ्रेंड भी थे, एक डिटेक्टिव भी थे, उनको बुलाया और उनसे कहा अपने साथ चलने के लिए, तो वो तैयार हो गए। अब ये लोग पहुँचते हैं यहाँ पे लेस्ट्रेड के पास, तो लेस्ट्रेड उनको बताता है कि मिस्टर होरेस हार्कर उनके घर के पास एक डेड मैन मिला है उनके डोर स्टेप पे, और मिस्टर होरेस हार्कर के पास भी नेपोलियन बस्ट था जिसको कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अब यहाँ पे तो बहुत अजीब बात थी क्योंकि अभी तक तो जो केस हो रहा था वो तो सिर्फ ये था कि भाई नेपोलियन बस्ट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, बट अब यहाँ पे तो एक मर्डर भी हो गया था। अब जब ये लोग यहाँ पे जाके देखते हैं तो इनको उस डेड मैन के पॉकेट से एक फ़ोटो मिलता है। वो फ़ोटो बड़ा ही अजीबो गरीब सा फ़ोटो था, बहुत ही ज़्यादा उसमें जो इमेज थी बहुत ही अगली मैन की थी। बहुत मुश्किल से उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है आखिर, क्या नहीं है। फिर भी इंस्पेक्टर ने उस फ़ोटो को अपने पास रख लिया और पूछा गया यहाँ पे कि आखिर ये हो क्या रहा है, कैसे चल रहा है ये सब। उसके बाद शरलॉक होम्स ने एक बहुत ही डीपली स्टडी की कि एग्जैक्टली 6 नेपोलियंस का होना क्या है, क्योंकि ऐसे तो पूरे लंदन में बहुत सारे बस्ट होंगे तो इनमें क्या खासियत है। तो उनको ये पता चला कि अभी तक जितने भी बस्ट डिस्ट्रॉय किए गए हैं वो सब सेम ही पैटर्न पे थे, मतलब सेम ही मोल्ड में उनको बनाया गया था। मोल्ड का मतलब होता है साँचा, मतलब एक ही साँचे पे कोई साँचा होगा जिसमें 6 मीन्स बस्ट बन सकते होंगे, तो उसमें एग्जैक्टली वो 6 ऐसे ही थे, वो एक जैसे ही इमेज के थे। उन्होंने कहा ये एक ही जैसे तोड़े जा रहे हैं, प्लस तरीका भी एक ही जैसा है तोड़ने का, तो ये इसके पीछे रीज़न क्या है। उसके बाद शरलॉक होम्स ने जब बहुत ही डीप स्टडी की तो उन्हें कुछ समझ आया, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले तो मुझे ये पता करना चाहिए कि एग्जैक्टली ये बनते कहाँ पे हैं, ये सारे बस कहाँ पे बने हुए हैं। तो वो कंपनी में जाते हैं जिस कंपनी में स्टैचूज ये बस्ट बने हुए थे, उस कंपनी का नेम था गेल्डर एंड कंपनी। जब ये वहाँ पे जाते हैं शरलॉक होम्स वॉटसन के साथ, तो वहाँ पे उनका एक यंग असिस्टेंट मिलता है जो कि ये बताता है कि वहाँ के जो ओनर है मिस्टर हार्डिंग, वो तो दोपहर तक अभी यहाँ नहीं आने वाले हैं, दोपहर के बाद ही वो यहाँ पे आएंगे। तो शरलॉक होम्स बोलता है ठीक है चलो हम लोग जब तक बाहर चलते हैं, उसके बाद आके जब ये आ जाएंगे तब हम लोग यहाँ पे आके उनसे मिल लेंगे। अब ये लोग मिलते हैं मिस्टर लेस्ट्रेड से, तो मिस्टर लेस्ट्रेड बताते हैं कि आज पूरे दिन भर में उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। तो उन्होंने बताया कि एग्जैक्टली वो जो डेड मैन था उसका नाम था पीटर वैनसी, जो कि कहाँ से था? नेपाल से था, और वो ना एक माफिया से बिलोंग करता है, माफिया गैंग से, और ये उसकी क्या है, ये उसकी रियलिटी है। तो और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नेपोलियन बस्ट को का जो भी डिस्ट्रॉय कर रहा है एग्जैक्टली शायद वो नेपोलियन से हेट करता होगा, इस चीज़ को पसंद नहीं करता होगा। तो शरलॉक होम्स बोलते हैं कि अच्छा अच्छी है तुम्हारी, जो पूरे दिन भर में तुमने इंक्वायरी की है ये काफ़ी अच्छी की है।
अब फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पे शर्लक होम्स वॉटसन दोबारा फिर से जाते हैं गेल्डर एंड कंपनी ऑफ स्टेपनी पे, जहाँ पे ये सारे बस्ट बनाए गए थे। अब जब ये वहाँ पे पहुँचते हैं और ये मिलते हैं गेल्डर एंड कंपनी ऑफ स्टेपनी के ओनर से, जिनका नेम है मिस्टर हार्डिंग। मिस्टर हार्डिंग से पूछते हैं कि आप मुझे क्या ये रिकॉर्ड बता सकते हैं कि नेपोलियन बस्ट जो कि एक ही साँचे पे एक ही मोड़ पर बनाए गए हैं वो आपने किसको किसको डिलीवर किए हैं। तो यहाँ पे मिस्टर हार्डिंग बताते हैं कि हाँ श्योर, और मुझे आपका लेटर मिल गया था और मुझे पता चला कि आपको मुझसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप मुझसे ले सकते हो। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मैंने किसको किसको दिया। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी 4 हमारे सामने वैसे ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं अभी तक। फर्स्ट मैं फिर से रिवाइज करा दूँ आपको एक बार, सबसे पहला जो कि उस हार्थन शॉप पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, सेकंड जो कि डॉक्टर बेरिनॉट के पास 2 थे बस वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, एक था होरेस हार्कर के पास, ठीक है। तो इस तरीके से कितने 4 डिस्ट्रॉय हो गए, अब सिर्फ बचे हैं 2। ये 2 का रिकॉर्ड ले लेता है, जिसमें कि एक होता है मिस्टर जोशी ब्राउन के पास और सेकंड होता है मिस्टर सैंडफोर्ड के पास। अब शेरलॉक होम्स मिस्टर लेस्ट्रेड को बोलते हैं कि ऐसा करो कि तुम मीडिया को बुला लो और अपने मीडिया पे को ये बता दो, न्यूज़पेपर पे ये निकलवा दो कि एग्जैक्टली जो नेपोलियन बस्ट का जो कल्प्रेट है, मीन्स जो इसका दोषी है वो क्या है, वो एक इंसेन है, पागल है। जबकि शेरलॉक होम्स बहुत अच्छे से जानते थे कि ये कोई पागल नहीं है, क्योंकि जो जितने भी नेपोलियन बस्ट अभी तक ब्रेक किए गए थे उन सबको ब्रेक करने का एक ही पैटर्न था। उसके बाद ये और वॉटसन यहाँ पे प्रिपेयर होते हैं जाने के लिए, कहाँ पे, मिस्टर जोशी ब्राउन के घर पे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब अब ये जो भी है, ये जो भी कर रहा है, ये क्या करेगा, जोशी ब्राउन के घर ज़रूर जाएगा, ये उस नेपोलियन बस को डिस्ट्रॉय करने जो कि 5th नंबर का था उनके पास था। तो ये क्या करते हैं, ये उनके घर के स्ट्रीट की तरफ निकलते हैं, पहुंचते हैं तो वहाँ पे उनके घर के पास नेम प्लेट लगी हुई थी जिस पे लिखा था लेबरनम विला। तो ये समझ जाते हैं कि ये उन्हीं का घर है, किनका, मिस्टर जोशी ब्राउन का। अब फ्रेंड्स ये लोग एंट्री करते हैं, एंट्री में क्या है, दिखाते हैं कि हाँ किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा थिक फेंसेस लगे हुए हैं, वुड लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा डार्क है, कोई वहाँ पे लाइट की फैसिलिटी नहीं है। तो ये और वॉटसन बहुत ही चुपके से इजी बहुत लाइट स्टेप के थ्रू घर पे एंट्री कर लेते हैं, और कुछ देर के बाद इन्हें ऐसा लगता है कि कोई इन्हें डार्क फिगर दिखा अंधेरे में, वो दिखता है फिर से गायब हो जाता है, दिखता है फिर से गायब हो जाता है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि ये लोग थोड़ी देर नोटिस करते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे वही कल्प्रेट आ गया है जो कि नेपोलियन बस्ट को डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद ये लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखते हैं कि वो कर क्या रहा है। तो वो क्या करता है कि वो डिस्ट्रॉय करता है नेपोलियन बस्ट को, और उसके हेड को डिस्ट्रॉय करने के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली अटेंटिवली उसको एग्जामिन करता है, और एग्जामिन करने के बाद कुछ भी नहीं करता, उसको वैसे के वैसा छोड़ देता है। अब उसके बाद जब वो ये सब कर रहा होता है वो कल्प्रिट, तो उसको बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है, उसको ये ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता कि कोई मेरे पीछे कोई खड़ा भी है। और यहाँ पे जो मिस्टर शेरलॉक होम्स होते हैं, जो वॉटसन होते हैं, वो जंप करके उसके बाद उसके पास जाते हैं और उसको वहाँ पे पकड़ लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। इतने में ही लाइट ऑन होती है हॉल की। अभी तक वो किस में सर्च कर रहा था, एक छोटे से लैंप में सर्च कर रहा था। जैसे ही लाइट ऑन होती है ये लोग उसको पकड़ लेते हैं, और एंट्री होती है किसकी, मिस्टर ब्राउन की, जो कि गोल मटोल से हेल्दी से मैन होते हैं। वो जैसे ही शेरलॉक होम्स को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये शेरलॉक होम्स ही हैं, और बोलते हैं यस सर, मुझे आपका जो आपने मुझे नोट एक्सप्रेस मैसेंजर के थ्रू भेजा था वो मुझे नोट मिल गया था, और उनको थैंक्स बोलते हैं। और यहाँ से शेरलॉक होम्स उस कल्प्रिट को पकड़ के चले जाते हैं। उस कल्प्रिट का नाम होता है बेप्पो, ठीक है, जो कि इटालियन होता है। इसकी स्टोरी बाद में पता चली कि एग्जैक्टली चल क्या रहा था। अब यहाँ पे ये उसको पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं मिस्टर लेस्ट्रेड के पास, जो कि इसको बंद कर देता है वहाँ पे, और उसके बाद अभी लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आ जाने के बाद यहाँ पे एंट्री होती है मिस्टर सैंडफोर्ड की।
मिस्टर सैंडफोर्ड आते हैं। फ्रेंड्स, ये वही मिस्टर सैंडफोर्ड है जिनके पास लास्ट बस्ट बचा हुआ है, लेकिन उसने अभी तक बेपो ने अपना माउथ नहीं खोला है कि एग्जैक्टली वो ये सब क्यों कर रहा था, क्यों नेपोलियन बस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा था, उसने अभी तक कुछ भी नहीं बताया था। अब मुलाकात होती है मिस्टर सैंडफोर्ड की शेरलॉक होम्स से। तो सैंडफोर्ड बताते हैं कि मैं आपके लिए आपका सामान लेके आया हूँ। तो बोलते गुड। उसमें मिस्टर सैंडफोर्ड अपने बैग से निकालते हैं वो नेपोलियन बस्ट जो कि लास्ट उनके पास बचा हुआ था, और ये हैंड ओवर करते हैं शेरलॉक होम्स को। शेरलॉक होम्स बोलते हैं कि अब ये मेरा हुआ और इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें कि अथॉन्टिकली अब इस नेपोलियन बस्ट का ओनर कौन होगा, मिस्टर शेरलॉक होम्स होंगे। तो यहाँ पे मिस्टर सैंडफोर्ड बोलते हैं कि आपने इसकी कॉस्ट तो पता कर ही ली होगी। मैंने इसको सिर्फ 15 शिलिंग में ही ख़रीदा था, लेकिन मैं इसके बदले मैं आपसे 10 पाउंड ले रहा हूँ। उसने कहा सर कोई बात नहीं, इट्स ओके। और वो क्या करते हैं, बैग से 10 पाउंड उनको दे देते हैं मिस्टर सैंडफोर्ड को, और उसमें एक पेपर पेन से स्लिप लगा देते हैं 10 पाउंड की, किस पे, उस नेपोलियन बस्ट के ऊपर। उसके बाद वो चले जाते हैं मिस्टर सैंडफोर्ड। अब यहाँ पे जो होते हैं मिस्टर शेरलॉक होम्स, ये क्या करते हैं, ये अपना स्टिक निकालते हैं, ठीक है, और उस स्टिक से उस नेपोलियन बस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके हेड पे मारते हैं जिससे कि उसका हेड टूट जाता है, और बहुत ही अटेंटिवली उसको एग्जामिन करते हैं। उसके बाद वो चेयर पे बैठ जाते हैं और अचानक से उनके फेस पे एकदम खुशी आ जाती है, और वो खुशी किस चीज़ की थी, एग्जैक्टली वो जीत गए थे, वो जैसा ही सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही हुआ था। उस हेड पे एक ब्लू बॉर्जिस पर्ल लगा हुआ था, ये इसी पर्ल की वजह से ही वो जो वेपो था इटालियन, वो इस चीज़ को क्या कर रहा था, हर बस को डिस्ट्रॉय कर रहा था। अब फ्रेंड इसकी स्टोरी सुनिए कि एग्जैक्टली ये वेपो क्या कर रहा था। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पता चलता है कि वो मैन जिसका कि मर्डर हुआ था, जिसका नेम था पेट्रो वेनिसी, जो पेट्रो वेनिसी था उसकी सिस्टर थी लुक्रीशिया वेनिसी। तो ये सपोज़ किया जा रहा था कि उसने प्रिंस ऑफ कोलोना के, प्रिंस ऑफ कोलोना का उसने ये पर्ल, ब्लू पर्ल चुरा लिया था और ये इसने अपने भाई को दे दिया था। और ये जो पेट्रो वेनिसी था ये बिलोंग करता था माफिया से, और शायद पेट्रो वेनिसी मर्डर करने वाला था बेपो का, क्योंकि बेपो एक इटालियन आर्टिस्ट था, वर्कमैन था, जो कि बहुत ही अच्छा काम करता था। ये सारी इन्फॉर्मेशन दी थी गर्डर कंपनी के ओनर मिस्टर हार्डिंग ने, किसको दी थी, शेरलॉक होम्स को। और उन्होंने ये भी बताया था कि इसका एक कज़िन भी यहाँ पे काम करता है, इसको ना यहाँ से निकाल दिया गया था, ये बहुत ही बड़ा वाला रास्कल है, और इसने क्या किया था कि इसने डे लाइट पे ही इसने स्टैब कर दिया था किसी को, जिसकी वजह से इसको जेल भेज दिया गया था। जब ये जेल से वापस आया तब इसने ये सब काम किया। अब एग्जैक्टली ये बस्ट को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहा था, क्योंकि इसके पास जो पर्ल था वो पर्ल इसने, ये फैक्ट्री में गया, इसको पता था कि मुझे ना, मैं किसी को स्टैब करके आया हूँ, मुझे पुलिस बहुत ही जल्दी पकड़ने वाली है। तो इसके पास जो पर्ल था, ब्लू बोर्जिस पर्ल था, ये गया तो उसने देखा कि 6 बस्ट नेपोलियन के रखे हुए हैं एक ही मोड में, सूखने के लिए रखे हुए थे, जिसमें कि एक का जो हेड था वो थोड़ा सा सॉफ्ट था, और ये एक अच्छा आर्टिस्ट था ही, तो इसने उस पर्ल को उसके हेड पे छुपा दिया था और पेस्ट कर दिया था, वो बहुत ही ना एकदम टाइटली उससे पेस्ट हो गया था, चिपक गया था। इसी वजह से जब वो उस प्रिजन से, जेल से वापस आया 1 साल के बाद, इसलिए वो हर नेपोलियन बस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा था जो कि एक ही सांचे के बने हुए थे, उसको बाकी नेपोलियन बस्ट के से कोई भी मतलब नहीं था, ना ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते थे, ना ही उनका बहुत ही ज़्यादा प्लास्टर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता था। तो ये रीज़न था, और इस चीज़ को ही उन्होंने शेरलॉक होम्स ने कैच कर लिया था, क्योंकि जो उसका तरीका था डिस्ट्रॉय करने का वो बिल्कुल सेम टू सेम एक ही जैसा था। अब यहाँ पर इस तरीके से ये स्टोरी पता चल
जाती है। अब यहाँ पे मिस्टर जो लेस्ट्रेड होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, उनको वो पर्ल हैंडओवर कर देता है शेरलॉक होम्स, और फिर उनको बोलते हैं कि चलिए ठीक है, अब मैं चलता हूँ, और आप तो कभी भी मेरा कुछ काम हो या कोई छोटे मोटे केस हो तो आप मुझे बताइएगा। इसके बाद मिस्टर लेस्ट्रेड इसको थैंक यू बोलते हैं, और फ्रेंड्स यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स आई एम श्योर कि स्टोरी आपको समझ आ गई होगी किस तरीके से नेपोलियन के 6 बस्ट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, और रीज़न क्या था कि एक पर्ल जो कि उसने बेप्पो ने छुपा दिया था, वो उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था। फ्रेंड्स जब आप ऑर्थर कोनन डोयल की स्टोरी पढ़ेंगे, इनकी एक और भी स्टोरी है द ब्लू कारबंकल, उसमें भी सेम टू सेम ऐसी स्टोरी है कि जैम को गूज में छुपा देता है, उसके बाद वो कौन सा गूज है, किसको सेल किया जाता है, वो इसी में पूरी स्टोरी ही चलती रहती है, और वो बाद में कुछ नहीं हो पाता, समझ आ जाता है कि हाँ इस स्टोरी में क्या है। तो फ्रेंड्स आई एम श्योर कि आपको स्टोरी समझ आई होगी। आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी करिएगा एंड शेयर योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो फ्रेंड्स आई विल मीट यू सून इन द न्यू वीडियो लेक्चर, टिल नाउ बी सेफ, कीप लविंग लिटरेचर एंड स्टे ट्यून्ड टू आरती गुप्ता। थैंक यू सो मच।